नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक रहस्यमयी ट्रेन की जो ऐसे गायब हुई कि उसका पता आज तक नहीं चल पाया है। यह बात है सन 1911 में इटली की, जब चेनेटी नाम की ट्रेन लॉन्च की गई थी। जब चेनेटी नाम की कंपनी ने एक नई ट्रेन बनाई और उस ट्रेन के पहले ट्रायल के लिए 100 मुसाफिरों का चयन किया। इस ट्रेन में स्टाफ सहित यात्रियों की संख्या कुल मिलाकर 106 थी। इस ट्रेन में सिर्फ 3 कोच थे। इस ट्रेन को लोम्बार्डी टनल, जो कि आधा मील लंबी टनल है, उससे गुजरना था, जो कि काफ़ी लंबा टनल था उस वक्त के हिसाब से। टनल में दाखिल होने के पहले तक काफ़ी लोगों ने ट्रेन को देखा था, लेकिन हड़कंप तब मच गया जब ट्रेन लोम्बार्डी टनल में प्रवेश तो कर पाई, लेकिन टनल से या सुरंग से कभी बाहर नहीं निकली। काफ़ी तलाश और जांच के बाद सिर्फ यही बात मालूम हो सकी कि ट्रेन को टनल में एंटर करते हुए तो कई लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद ट्रेन के वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। यहाँ तक कि सुरंग के अंदर से भी कुछ सुराग नहीं मिला। कुछ समय के बाद 2 लोगों ने दावा किया, जो कि मेक्सिको से थे, कि उन दोनों व्यक्तियों का नाम भी उस ट्रेन की यात्री सूची में शामिल था और दोनों ही ने ट्रेन में सवारी भी की थी, लेकिन टनल में दाखिल होने के जस्ट पहले ही उन्हें कुछ अजीब जोर की आवाज सुनाई दी और साथ में काला सफेद धुआं भी दिखाई दिया, तो वे दोनों ट्रेन से डर के मारे कूद पड़े। जब उन दोनों व्यक्तियों के ये दावे सामने आए, तब दोनों की मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। उनका परीक्षण साइकेट्रिस्ट से भी कराया गया और यह बात भी वेरीफाई हो पाई कि उन दोनों का नाम वाकई यात्री सूची में था। इसी बीच मेक्सिको की एक डॉक्टर ने यह दावा किया कि इस हादसे के बाद उस डॉक्टर के पास अस्पताल में 104 लोग, जो कि मानसिक रूप से काफ़ी बीमार लग रहे थे और अजीब हरकतें कर रहे थे, वे आए थे इलाज के लिए। लेकिन सबसे बड़ी और अजीब जानकारी यह मिली कि इसी जेनेटी ट्रेन को 3 कोचेस के साथ अलग अलग वक्त अलग अलग देशों में देखा गया था। यहाँ तक कि 71 साल पहले यानी 1814 में भी इस ट्रेन को देखे जाने के दस्तावेज से पुष्टि हो जाती है। वैसे ही हूबहू ट्रेन देखी गई थी, जबकि ये तो सन 1911 में इटली में लॉन्च हुई थी। रसिया में भी 1911 के बाद यह ट्रेन देखी गई। इस ट्रेन के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं इटली में कि वाकई में ऐसी ट्रेन लॉन्च हुई थी और गायब भी हुई। माना जाता है कि इस ट्रेन के लोम्बार्डी टनल में एंटर करने के बाद यह टाइम मशीन में प्रवेश कर गई। बड़ी लंबी जांच चली, लेकिन इस ट्रेन का कभी पता नहीं चल सका, नहीं बाद में लोगों का क्या हुआ यही पता चल सका। माना जाता है कि ट्रेन आज भी टाइम लूप में फंसी हुई है, इसीलिए यह कई मौकों पर अलग अलग देशों में कई बार देखी गई है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।